धीरज में होरी रे रसिया। देखिए तो यहाँ पर कितने सारे ब्रज में लोग मौजूद है जो ब्रज का उरंगा बड़े भाव से मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो होली अच्छी लगती है। यहाँ तो कोई भी आनंद ले सकता है, हम भी खुल के आनंद लेते हैं होली में। बहुत अच्छा लगता है और हर साल प्रतिवर्ष यहाँ पे उरंगा मनाया जाता है। बलवंशी वारे की जय, बोल हरि के रसिया की जय, बोल नंद बाबा की जय। आप देखिए हम है कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर छड़ियाँ बरस रही हैं और ये छड़ियाँ देखिए चारों ओर से बरस रही हैं। ये आप थोड़ा सा ये बताइए कि आज यहाँ पर ये इतनी सारी महिलाएं क्यों इकट्ठी हुई है? अब तो होली भी नहीं है, ये देखिए अब तो, ये देखिए हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं ये होरंगानंद भवन 84 खंबा मंदिर का। और थोड़ा सा ये देखिए, ये यहाँ पे होरंगा चल रहा है और आप जरा ये देखिए यहाँ पर इन्होंने होरंगा खेलना बंद कर दिया है और हम ही पर तड़ातड़ तड़ातड़ वार किए जा रही हैं, हमें संभलने का बिल्कुल मौका नहीं दिए जा रही हैं। और क्या कहेंगे आप अपने इस होरंगे के बारे में? यहाँ का ब्रज का आनंद है, होली है भगवान का, होली होल का उत्सव है, ठाकुर जी का रमण बिहारी का छप्पन भोग होता है हर साल का प्रोग्राम है। ऐसी भगवान कृपा बनाए रहेगा, ब्रज भूमि है, सब गोपियों का ग्वालों का मेला है हमारा ब्रज भूमि, औरंगा कहते हैं इसको होली का। आज लास्ट दिन है भगवान, यहीं प्रारंभ होता है रमण रीति से और यहीं समापन हो जाता है, ब्रज की होली तो चलती रहती है। ये बोलो राहू दादा की, ब्रज के राजा की, तैतीस कोट के देवता होली खेलने के लिए ये आज नंद भवन पर पधारेंगे और वो सभी होली खेलेंगे। ये होली होरंगा का आयोजन ये सैकड़ों वर्ष से प्रतिवर्ष की भांति यहाँ चला आ रहा है। यहाँ 33 कोट के देवता नंद भवन परिसर में होली खेलने के लिए आते हैं और यहाँ पर संत जन भी आए हुए हैं, ये देखिए इस होरंगे का आनंद लेने के लिए। ये इतनी आस्था में उभर रही है जनता, क्या कोरोना से भी है का इनको कोई डर नहीं है? ये देखिए इनको थोड़ा सा तड़ातड़ तड़ातड़ बजाइए, कह रहे हैं कि आस्था भारी है कोरोना पर। ये देखिए ये इनके हाथ में पतली पतली सी ये छड़ियां हैं। अच्छा आपसे हम ये पूछें कि ये छड़ियां क्यों ले रखी हैं आपने? होली खेलने के लिए। अच्छा नहीं, ये छड़ियों की जगह डंडा क्यों नहीं ले रखा आपने, लाठी क्यों नहीं ले रखी? नहीं उससे तो लग जाएगी ना, ये तो ब्रज का प्यार है। आपको लगानी नहीं है तो प्यार करना है आप। जय हो। और ये प्यार आप किससे कर रही है? ठाकुर जी होली खेल रहे हैं, देखिए ओहो कृष्ण बलराम, ये देखिए नंद भवन में ये होली खेल रहे हैं, छड़ी मार होली इनसे खेली जा रही है। देखिए यहाँ पर बड़ी सुंदर ये होली हो रही है, होरंगा है ये और छड़ी मार होली यहाँ पर खेली जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर कृष्ण बलराम जी के स्वरूप हैं। और ये देखिए मदमस्त होकर नृत्य कर रहे हैं श्रद्धालु। गुड़िया कहाँ से आई हो? ये मैं महावन की हूँ।
महावन 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 की। अच्छा, तो आज की इस होली के बारे में, आज के इस हुरंगे के बारे में क्या कुछ है आपके पास बताने? ये जो यहाँ पर महावन में प्रतिवर्ष हुरंगा मनाया जाता है, ये भगवान का 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है। भगवान दाऊजी बाबा का घर है, जहाँ दूर दूर से यात्री आकर के हुरंगा का उत्सव मनाते हैं, और साक्षात 33 कोटि देवी देवता गण यहाँ पर उपस्थित होकर आज के दिन को बड़ा मंगलमय, बड़ा सुंदर भव्य आयोजन इसका होता है। सारे देवतागण उपस्थित होकर के आज हुरंगा का उत्सव यहाँ देखते हैं, सब पर अपना आशीर्वाद देते हैं, मनाया जाता है हुरंगा। हेलो जी, हाँ, भूरी मती जाने वृषु भानु की किशोरी छे, भूरी में तो सो कहीं हार नहीं मानेंगी, गाल गुलचा लगाए पाओ पायल बधाई के, तो राधिका बनाए आप कृष्ण बन आवेंगी, तो राधिका बनाए आप कृष्ण बन आवेंगी, हो महलन दे झाक रही राधे महलन ते, हो महलन ते झाक रही राधे महलन ते, हाँ जी महलन ते हमें महलन ते झाक रही राधे महलन ते, महलन ते झाक रही राधे महलन ते। बोलो दाऊजी महाराज की जय। जय हो। और यहाँ पर देखिए ये श्रद्धा का पूरा सैलाब है। जी जी जी, यहाँ ठाकुर जी के तो दर्शन होते ही रहते हैं, हमें प्रत्यक्ष दर्शन होता है यहाँ पर, यहाँ ठाकुर जी के प्रत्यक्ष मुख दर्शन होता है। अच्छा, क्या बताना चाहेंगे आज के अपने इस मेले के बारे में? अब ये है कि अपनी तारीफ खुद करना अच्छा नहीं रहता है, ये हमारा आनंद भवन है और यहाँ पे हम सब ने ये पूरे आयोजन को किया है, और इस आयोजन का जो भी चीज़ें हैं, जो गायन है, महाराज जी का आगमन है, छप्पन भोग का है, ये पूरा किया हुआ है, और इस सब के लिए हम सब आपको भी आभारी करते हैं कि आप सब लोग यहाँ पर आए और आपने इस पर्व का आनंद लिया, पूरा आनंद लिया, और छप्पन भोग के दर्शन भी हैं हमारे यहाँ से भी। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, आज होली में यहाँ इतना रंग बरस रहा है कि देवता भी तरस रहे हैं। ये ब्रज की होली है, होली के साथ में हुरंगा है, और हुरंगा में वो रस बरस रहा है कि जो तीन लोक में भी नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊ जी महाराज की, ये महावन का प्रसिद्ध हुरंगा। आज के इस अवसर पर दो शब्द आपके, दो शब्द आज के इस आनंद के। अखंडानंद बोध है शिष्य संता पाय सत्यानंद रूप है रामाय गुरुवे नमः। परमपिता परमात्मा आनंद कर्ण प्रचंद नंद भगवान श्याम श्री कृष्ण भगवान के परम अहेतुकी करवाम सवन पर है, उन्हीं कृपा से ये हुरंगा का आनंद हम लोग ले रहे हैं। ये ऐतिहासिक महत्व है, हम लोग बड़े आनंद से हर्षोल्लास पूर्वक से मना रहे हैं, और ये राग द्वेष को दूर करने वाला है, हृदय को प्रफुल्लित करने वाला है,
हम लोग राग द्वेष से दूर हो रह करके और अपने जीवन में सब लोग मिलजुल करके ये आनंद लें, इसीलिए ये साल के बाद ये उत्सव मनाया जाता है। हम लोग जो है बड़े प्रेम से हर्षोल्लास पूर्वक इसे मनाते हैं और मनाते रहेंगे, ये प्रत्यक्ष है। जय श्री कृष्णा। ये 84 खंबा मंदिर के ऐतिहासिक इस मंदिर पर, पौराणिक मंदिर पर आज छड़ी मार होली का कार्यक्रम है। बहुत दिव्य माहौल है, आनंद का माहौल है। ठाकुर जी और सब संतों के सन्निधि में आज ये होली, पौराणिक होली, पारंपरिक होली मनाई जा रही है, छड़ी मार होली। बहुत आनंद आ रहा है, यहाँ की होली का अद्भुत आनंद है। फूलों से यहाँ के सभी नागरिक लोग होली खेल रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। जय श्री कृष्णा। आपके महाराज जी दो शब्द आपके होली के इस अवसर पर। जय श्री कृष्णा। ये मावन की होड़ंगा में जो सुंदर व्यवस्था है, हमने पहले बार यहाँ देखा है जिस तरह की व्यवस्था है। बताओ आनंद से सब होली खेल रहे हैं, सब प्रेम भाव से होली के त्यौहार पर सब। जय श्री कृष्णा। आपके दो शब्द जो भी आज आपके मन में हो। ये ब्रज की होली बहुत ही महत्वपूर्ण और स्वाद और एकता का संदेश देती है। बसंत के शुरू होते ही ब्रज में होली शुरू होती है और होली के बाद में फिर होरंगा शुरू होता है। आज 84 खंबा जो एक पौराणिक मंदिर, जहाँ पर बड़े उत्साह के साथ में ये होरंगा मनाया जा रहा है, यहाँ ब्रज की गोपिकाएँ एवं ब्रज के सभी ग्वाला मिलकर के फूलों की होली और ये संदेश देते हैं कि सभी का एकता, प्रेम, सौहार्द और सभी निरोग रहें, ऐसी कामना करते हुए आज होली का उत्साह संपन्न करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय। दो शब्द आपके आशीर्वचन। भगवत कृपा से आज बड़ा बहुत महान पर्व का दिन है। भगवान कृष्ण की पावन बाल लीला स्थली पर हम सबका जो ये मधुर सगा मधुर समागम हो रहा है, ये बड़े बड़े आनंद का विषय है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हर समय, हर साल ऐसा ही आनंद सबके जीवन में आए। आप देख रहे हैं नंद भवन 84 खंबा मंदिर का ये होरंगा, और इस होरंगे में अभी और हमारे साथ महाराज जी दो शब्द आपके और आपके आज के। आज जो जो नंद बाबा का घर है बहुत आनंद से आज मना रहे हैं। बहुत अच्छा। आप जो आज अनुभव कर रहे हो, जो भी आप अनुभव कर रहे हो, बहुत ही ब्रज का बहुत ही अच्छा होली, आनंद आया। जय श्री कृष्णा। होली का परम आनंद यहाँ नंद भवन 84 खंबा में ब्रजवासी लोग ले रहे हैं। हुरियार इन्हें अपने बैंत के द्वारा और हुरियारों को मार रही है, छड़ी मार होली है ये, और कुंटलों टन यहाँ फूलों की वर्षा हो रही है। गीत संगीत नृत्य के माध्यम से यहाँ सभी का उल्लास दर्शनीय है। ऐसी होली का इंतजार वर्ष में एक बार यहाँ सभी लोग ब्रजवासी करते हैं और बहुत आनंदित होते हैं। हम सब लोग धन्य हुए जो यहाँ इस प्रकार की ये छड़ी मार होली का इस 84 खंबा आनंद भवन में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये 6000 वर्ष प्राचीन नंद राजा का घर है, इसमें लगे डिजाइन डिजाइन में 84 खंबा है। आप एक बार, दो बार, चार बार गिनो, कभी घटेंगे कभी बढ़ जाएंगे। 80 खंबा लगाए विश्वकर्मा जी ने, चार ब्रह्मा जी ने,
डिजाइन अलग अलग है। ग्वाल वालों ने माखन खाया, खम्भों में हाथ लगाए, सब खम्भा चिकने पड़े। यशोदा ने 9 लाख गाय का दूध गर्म किया है, महल काला है। आज छठ के ही दिन यहाँ दाऊ जी का जन्म हुआ था, तो हम हर साल छठ के दिन ही यहाँ हुरंगा मनाते हैं। बोल दाऊ बाबा की जय, ओरी के रसिया की जय। ये हमारा प्राचीन नंद भवन है, जिसमें ये 84 खम्भा, ये 3 लोक से न्यारी नगरी है और बैकुंठ से पहले रची गई है। कहते हैं बैकुंठे अग्रे रची गोकुल। ये देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा जी ने इसमें 80 खम्भे लगाए, 4 खम्भे ब्रह्मलोक से लाके ब्रह्मा जी लगाए। ये वही नगरी है और ये है वही बलदाव जी का, नंद बाबा का घर है। यहाँ भगवान हमारे ब्रज में बसंत पंचमी से होली चालू होती है और 1.25 महीने तक, 1.5 महीने तक होली यहाँ ब्रज में खेली जाती है। आज छठ का दिन है, हमारे बलदाव जी छठ को प्रिय मानते थे और बलदाव जी का छठ का ही जन्म है, इसीलिए छठ के दिन भव्य होली का आयोजन होता है। ये सैकड़ों वर्ष से पारंपरिक चला आ रहा है, इसको हमारे सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल सभी गोपियाँ पारंपरिक रूप से यहाँ मनाती हैं। और भगवान को उस दिन भांग ठंडियाई 56 भोग और 56 भोग ठंडियाई भांग, और पीने वाले तो भांग गाजा भी पीते, सबके लिए जैसा सुबह शाम तक सबको छनता है। और इसको गोपी ग्वाल बड़े प्रेम से छकते हैं और उसका होली का यहाँ आनंद लेते सके। जगत ब्रज, जगत में हो रही और ब्रज में हो रंग। TTI न्यूज का हमेशा हमारे बहुत सहयोग रहा है, प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी बहुत सहयोग रहा है। हमारे एड देने से लेकर के पूरा प्रोग्राम तक में और यहाँ से लेकर के और देश विदेशों में इसको पहुँचाने में हमारा बहुत बहुत सहयोग रहा है। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बार बार प्रत्येक वर्ष आपकी बार आप अपने स्टाफ को लेकर आए, आपकी बार हार्दिक इच्छा यह है कि आप परिवार को लेकर के यहाँ पधारें। तो अब हम आपको पुनः केंद्रित करते हैं छड़ी मार उरंगे पर। क्या हो, क्या हो? बढ़िया नित्यनेम रोज हो रहा है, नित्यनेम। आप देख रहे हैं नंद भवन 84 खम्भा मंदिर, पुरानी गोकुल महावन का छड़ी मार होरंगा। ये देखिए छड़ियां यहाँ पर इस तरीके से चलाई जा रही हैं, बख्शा नहीं जा रहा है। ब्रज की होली महावन का हुरंगा जो प्रतिवर्ष यहाँ पर मनाया जाता है, शुरुआत भी यहीं से होती है और इसका ख़त्म भी यहीं पर होता है, अंतिम दिवस भी यहीं पर मनाया जाता है। तो यहाँ का जो माहौल है वो बहुत शानदार है, बहुत सुंदर है, बड़ा अद्भुत है। तो उसको देखकर के आप क्या कहेंगे कि ब्रज की होली का जो हुरंगा है वो कैसा होता है? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है,
और बहुत ही सुंदर है। यहाँ हर साल ऐसे ही हुरंगा मनाया जाता है। और कोई आप में से कोई बताना चाहेगा ब्रज की होली का हुरंगा कैसा मनाया जाता है यहाँ पर? आप जो हुरंगा यहाँ पर आयोजन हुआ है वो कितने वर्ष से चल रहा है? ये हजारों वर्ष से हुरंगा चल रहा है उरी का। यहाँ पे जब से हमने होश संवारा है तब से यहाँ हुरंगा चल रहा है उरी का। ये देखिए हमारे साथ मौजूद बहुत सारे भाई बहन हैं, दीदियाँ हैं, माताएं हैं। कोई बताना चाहेगा यहाँ के हुरंगे के उत्सव के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, हमारे बार होली खेलने आते हैं, बहुत अच्छा होता है हुरंगा यहाँ पे। छड़ी मार होली होती है, हर बार होली खेलते हैं, खूब सज के सवर के कन्हैया जी से बलराम जी से होली खेलते हैं। और चलते हैं आपको ये कुछ हमें नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही है, इनके पास जाते हैं, शायद इनका पहला हुरंगा है। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, हम बहुत तैयारी करते हैं, एक साल में आता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। देखिए तो यहाँ पर कितने सारे ब्रज में लोग मौजूद हैं जो ब्रज का हुरंगा बड़े भाव से मना रहे हैं। और हर साल प्रतिवर्ष यहाँ पे हुरंगा मनाया जाता है, लठमार होली के रूप में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ का भव्य आयोजन आप देख सकते हैं, इतनी सुंदर तरीके से यहाँ पे मनाया जा रहा है। और आइए आपको लेकर के चलते हैं, आइए हमारे साथ में, आप देखते जाइए कितनी सुंदर सुंदर यहाँ भव्य आयोजन मनाए जा रहे हैं। ये देखिए, आइए आपको दिखाने चलते हैं यहाँ का नृत्य कला का आयोजन। आइए मिल रहा है। ये हमारे हर साल का होली उत्सव है, नंद भवन चौरासी खंबा श्रीधाम पुरानी गोकुल का। भगवान से प्रार्थना है ये ऐसे ही भक्तगण यहाँ आते रहें और इस होली उत्सव का आनंद लेते रहें, ये चलता रहे, निरंतर चलता रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, बोलो होली के रसिया की जय। सामने से भैया, सामने से आइए आपको लेकर के चलते हैं यहाँ महिलाओं के पास में जो ब्रज की होली के लिए कई वर्षों से तैयारी कर रही है लगातार। ये देखिए इनकी नाच करके नृत्य करके इनकी जो हालत है वो भी भगवान के रंग में रंग चुकी है। आइए इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से? हम यहीं के रहने वाले हैं, मावन के। इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती कि ब्रज की महिला ब्रज के हुरंगे को बड़े आनंद से मना रही है। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत अच्छा लगता है और हम बड़े से यहाँ आते हैं, होली का आनंद लेते हैं। जो ठाकुर जी की होली है कोई भी आनंद ले सकता है, हम भी खुल के आनंद लेते हैं होली में। आइए, कितने वर्ष से आप यहाँ पर होली उरंगा मना रही हैं? हमें तो 20 साल तो हमको हो गई, उससे पहले से ही होली का उरंगा हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है खेल करके। देखिए दाऊ जी के आंगन में, दाऊ जी के घर में कितना सुंदर उरंगा मनाया जा रहा है, इसके लिए आपको और बात करवाते हैं हम। आइए इनसे पूछते हैं। हम लोवन से ये हमारा मायका है। आप कितनी बार उरंगा करने के आ चुकी हैं? कई साल से हो रहा है यहाँ पर। जो कैसा लगता है आपको यहाँ पर आके, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। देखिए मस्ती में मस्त महिलाएं होली के रंगे में झूमती नाचती भगवान के भजन में नृत्य करती हुई महिलाएं दिख रही हैं, जो सब मिलकर के भगवान के हुरंगे में बड़ा आनंद ले रही हैं। ये देखिए ब्रज के ठाकुर जी के साथ में होली मनाई जा रही है, जहां ब्रज के ठाकुर जी साक्षात सबके साथ में नृत्य कर रहे हैं, होली का आनंद ले रहे हैं, हुरंगा मना रहे हैं। देखिए बड़ों के साथ साथ छोटों में भी इतना उत्साह, इतना उल्लास है ब्रज की होली मनाने का कि सारे बाल बड़े सब के सब यहाँ बड़े आनंद से झूम रहे हैं, हुरंगा का आनंद दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े सब के सब ये आनंद ले रहे हैं। देखिए कितना भव्य आयोजन है होली के हुरंगे का। आइए आपको लेकर के चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ हमें नई नई सूरतें, नए नए रंग बड़े देखने के लिए मिल रहे हैं, होली के हुरंगे में आए हैं। आइए इनसे भी आपको
बात करवाते हैं और बतलाते हैं कि हुरंगे में इनको कैसा लग रहा है। यहाँ ब्रज का हुरंगा मनाया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है हुरंगे में खेल? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो होली अच्छी लगती है। यहाँ तो ऐसी लग रहा है राधा रानी खुद है और गोपी लोग खुद ही है। ये देखिए ब्रज के लोगों का भाव कितना अद्भुत है, सुंदर रथ ये देखिए कितने सुंदर से तरीके से नृत्य कर रहे हैं। ब्रज के भाव में डूबी हुई ये देखिए ब्रज की महिमा का आनंद, ब्रज के हुरंगे का आनंद। दाऊजी बाबा के घर में जो ये हुरंगा मनाया जा रहा है इसमें भाई भक्त सब कितने अद्भुत तरीके से नृत्य कर रहे हैं, सब में कितना उमंग है। आप खुद भी देख सकते हैं, स्वयं भी देख कर के इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हुरंगे का आनंद लोग किस तरीके से ले रहे हैं। देखिए जरा यहाँ पर कितना सुंदर नृत्य कर रही है हमारी बहनें माताएं। आइए इनसे भी कुछ बात करते हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपने इतना सुंदर नृत्य करना कहाँ से सीखा? कहाँ से आई है आप? महावन। अच्छा ब्रज के लोग हैं तो ब्रज जैसी कला तो इनके अंदर रग रग में बसी हुई है। ब्रज के लोग हैं तो नृत्य करना कहाँ से सीखेंगे? ठाकुर जी नृत्य करते थे तो यहाँ के लोग भी सब नृत्य करते हैं। आइए आपको लेकर के चलते हैं और भी कलाओं की ओर। ये देखिए कितना अद्भुत ये हुरंगे का महोत्सव है। देखिए बड़ी देर से नृत्य करने में लगी हुई है, आप थकी नहीं है? नहीं। आप कैसा लग रहा है नृत्य करके? बहुत अच्छा लग रहा है। और कितने साल से हुरंगा बनाने आ रही है? दो तीन साल से। अभी तक क्या आपने ऐसा महसूस किया या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका हुरंगे का? वर्ल्ड की बेस्ट होली है, बेस्ट। देखिए ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट होली हुरंगा है, इससे आप मायने लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कितने होली उत्सव यहाँ पर शानदार तरीके से मनाया जाता है। यहाँ के बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बूढ़े तक यहाँ पर उपस्थित हैं, कितने संत महापुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं हमारे बीच में कितने महापुरुष संत भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपना आशीर्वाद सभी ब्रजवासियों पर दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बड़े हर्ष का विषय है कि हर वर्ष प्रति वर्ष यहाँ पर हुरंगा मनाया जाता है। आइए बात करते हैं श्रीमान जी से। मैं तो मावन से ही आया हूँ। आइए इनसे बात करते हैं, यहाँ पे प्रति वर्ष हुरंगा मनाया जाता है, आपको कैसा लगता है यहाँ पर आके? यहाँ बहुत आनंद हर्षोल्लास के साथ प्रति वर्ष हुरंगा मनाया जाता है। ठाकुर जी का 56 भोग लगाया जाता है, सभी गोपियाँ ग्वालों के साथ होली खेलती हैं, भगवान कृष्ण बलवान सभी भक्तों के साथ होली खेलते हैं, रमण रेती वाले महाराज जी भी होली खेलने के लिए आते हैं, त्यागी महाराज गुरुदेव जी भी होली खेलते हैं, सभी देवी देवता भी आज हर्षोल्लास से धो जाते हैं और खूब आनंद बरस रहा है, सब भक्त आनंद ले रहे हैं, ये होली का आनंद देखने को मिल रहा है आज। बोलो दाऊ जी महाराज की, बाके बिहारी लाल की जय। देखिए कितना अद्भुत यहाँ पर दृश्य देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ बताया कि 84 खंबा दाऊ जी बाबा के घर में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। हर साल वो 56 प्रकार के व्यंजन दाऊ जी बाबा को परोसे जाते हैं बड़े सुंदर तरीके से। यहाँ का दृश्य अद्भुत है। लठमार होली भी इस ब्रज की होली यहाँ पर मनाई जाती है, ब्रज क्षेत्र में इतना सुंदर अद्भुत दृश्य है। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बालक भी इस होली में सम्मिलित है। यहाँ जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़े से लेकर छोटे तक और कितना छोटा कितना अच्छा यहाँ पर बालक है जो होली का उत्सव मनाने के लिए खड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत 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 अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। बहुत अच्छा बना? बहुत अच्छा। कितनी बार आई हो रंग मनाने? बताओ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हो? बहुत मजा आ रही है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी यही क्यों आई, लेकिन मैं रहती दिल्ली हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। किसी के मुख पर इतने अच्छे भाव, इतने अच्छे सुंदर मुस्कुराहट देखने के लिए मिल रही, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस हुरंगे से खुश ना हो, बल्कि देखिए यहाँ के होली के होरियारों से आपको मिलाते हैं। यहाँ लठमार होली का आयोजन हो रहा है, होली के होरियारे यहाँ पर होली खेल रहे हैं। आइए
जी हम महावन से ही हैं, ब्रज ब्रज की महावन से। कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंद की पूर्ति हो रही है, हमें ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है। नंद भवन 84 खम्मा 56 भोग का दर्शन है आज, इन से उरंगे की हर्षल रसिया की जय। बोलो दाऊ आदे होली के रसिया में आज का बहुत जोर का रसिया, होली के उरंगा मार लट मार होली होती है इधर महावन। आप ये बताओ आप में से छानी किन किन ने है? सबने छानी है, इधर छानने का महत्व होता है आज। आत्मा मजबूत है आज। ये देखो एक तो कह रहा है हमने नहीं छानी, और ये कह रहे हैं कि सबने छानी है। ऐसा हो ही नहीं सकता ताऊ जी बाबा के यहाँ बांग का भोग लगता है, बांग की ठंडाई का आनंद सब लेते हैं। भारत माता की। कितना अद्भुत दृश्य है यहाँ पर देखिए आकर के। ये देखिए लठमार होली का आनंद, जहाँ ब्रज की हुरियारिन गोपियाँ ताऊ जी बाबा के आंगन में आज होली का उत्सव ले रहे हैं। होली खेलना बड़ा नहीं अच्छा लग रहा है, खूब बढ़िया लग रहा है। महावन से आए, बहुत अच्छा लग रहा है होली खेलना। और ये दाऊ जी बाबा की लठमार होली है। हमारे यहाँ भी आप औरंगा देखने आइए, बहुत से औरंगा है। आप बाबा आइए, ऐसा हमने कभी नहीं देखा औरंगा। आइए आपको मिलाते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको होली के औरंगे में कैसा लग रहा है। मैं उज्जैन से आया हूँ, मेरा नाम है कान्हा। मेरे को बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर, बहुत ज़ोरदार लगा। मैंने पहली बार ऐसी होली देखी है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया उत्सव लगा यहाँ पे। धन्यवाद। लक्षौरासी यौन भोग कर मानुष दे ही पाई, अब चेत चेत प्राणी फिर लक्षौरासी आई। ये 84 खम्बा है, यहाँ भगवान ने होली खेली है। यहाँ भगवान ने बचपन में होली खेली है, वही होली का भाव लेकर के सभी लोग होली खेल रहे हैं। जय दाऊ जी महाराज की, जय नंद बाबा की। ए श्री नंद भवन 84 खम्बा, आज भारी पर्व लुट रहा है, ये भाग्यशालियों को मिलता है। साल में छठ को यहाँ दाऊ बाबा का यहाँ 56 भोग का आयोजन किया जाता है। बड़ा भव्य से मनाया जाता है, हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। होली के रसिया सज सज के आते हैं और होली गाते हैं और होली में आनंद उठाते हैं। आपका ये पुराना गोकुल महावन नंद भवन 84 खम्बा। बोलो नंद के लाला की जय। मैं पूरे परिवार सहित महाकाल की नगरी उज्जैन से बाबा गोकुल की नगरी में आज इस नंद उत्सव में होली में बता रहे हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से आज हम महाकाल की नगरी से यहाँ होली मनाने आए हैं, पूरे परिवार सहित आए हैं। जय हो राधा रानी की। गोपाल बोल बंसी बारे की जय। कहते हैं कि सब जगह होली और ब्रज में होरा, वो होरा का आनंद आप और हम आज सब यहाँ पर ले रहे हैं, देख रहे हैं। सब जगह होली और ब्रज में हो रहा, तो देखिए किस प्रकार यहाँ पर ब्रज में सभी लोग नृत्य करते हुए ब्रज की होली का आनंद ले रहे हैं। और एक एक करके मैं आपको मिलाना चाहूंगी ब्रज के उन भक्तों से जो हर साल प्रतिवर्ष यहाँ पर ब्रज की होरा का आनंद लेने के लिए आते हैं। नंद भवन 84 खम्बा जहाँ स्थित है ब्रज के भक्त। कितने साल से आप होली मनाने आ रही है? हर साल मनाते हैं। दाऊ जी महाराज की जय। देखिए अब तक आपको हमने सब जगह घुमा करके दिखाया कि ब्रज के होरा का जो आनंद है, हुरंगे का जो उत्सव ये मनाया गया है, कितने वर्षों से यहाँ मनाया जा रहा है। हजारों वर्ष पुराना श्री दाऊ जी महाराज का ये आंगन है, ये घर है। यहाँ 84 खम्बा मंदिर में 56 प्रकार के व्यंजनों का भगवान का भोग लगाया जाता है। और यहाँ लठमार होली जो गोपों के साथ में, ग्वालिनों के साथ में खेला जाता है। यहाँ आपने देखा कितने आनंद से सभी लोग मिलकर के ब्रज की होली का आनंद ले रहे हैं, ब्रज के हुरंगे को मना रहे हैं। आप मैं गौरी दीक्षित श्री, आप योगेश खत्री जी के साथ और संजू जी के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए प्यारा सा जयकारा श्री दाऊ जी महाराज के नाम पर। बोलो दाऊ जी महाराज की, ब्रज के होरी की। आज ब्रज में होरी
देखिए तो यहाँ पर कितने सारे ब्रज में लोग मौजूद है जो ब्रज का हुरंगा बड़े भाव से मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तो होली अच्छी लगती है यहाँ तो। कोई भी आनंद ले सकता है, हम भी खुल के आनंद लेते हैं होली में। बहुत अच्छा लगता है और हर साल प्रतिवर्ष यहाँ पे हुरंगा मनाया जाता है।